हाय प्यारे दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और सैंडविच एक ऐसी डिश है जिसे आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज क्लब सैंडविच की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 4-5 आलू लिए थे। इनको सबसे पहले मैंने 2 विसल लगाकर बॉईल कर लिया था। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग आलू की क्वान्टिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इन्हें छील के और उसके बाद मैंने इन्हें मैश कर लिया था। फिर मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच तेल लेकर उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करा था। इसके बाद मैंने इसमें आलू जो मैंने मैश करे थे वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। हम बना रहे हैं सैंडविचेस की स्टफिंग। फिर मैंने इसमें ऐड करी थी 1 कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें रेगुलर स्पाइसेस ऐड करे थे, 1/2 चम्मच नमक, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर धनिया, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड करा था जिससे एक टैंगी फ्लेवर आएगा हमारी स्टफिंग में। मैंने ये मसाले कम क्वांटिटी में इसलिए डाले हैं क्योंकि स्टफिंग भी कम ही है। मैं बना रही हूँ 3 लोगों के लिए सैंडविचेस। आप अपने हिसाब से मसालों को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लीजिए अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए सैंडविचेस बना रहे हैं। इसके बाद मैंने इसे मैशर की हेल्प से अच्छे तरह मैश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, वो है फ्रेश हरा धनिया। अगर आप किसी भी खाने की चीज़ को हरे धनिए से गार्निश करते हैं तो देखने में ही बहुत सुंदर लगने लगता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं रेगुलर ब्रेड स्लाइसेस जो हम नॉर्मली ब्रेड खाते हैं, और मैंने इसके कॉर्नर्स कट नहीं करे हैं क्योंकि उससे स्लाइस का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और इस बात से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो बना रहे हैं वेज क्लब सैंडविचेस। हरी धनिया की चटनी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी क्योंकि चटनी की रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पे 2-3 बार शेयर करी हुई है। इसके बाद हम इसे बिल्कुल एजेस तक फैला देंगे और हम आलू की स्टफिंग भी स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल एजेस तक। अच्छी तरह से चटनी और स्टफिंग लगाने के बाद अब हम दूसरे स्लाइस पर अंदर की तरफ मेयोनीज ही लगाएंगे। ये वेज मेयोनी है और एगलेस मेयोनी है। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप एगलेस मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से कॉर्नर तक स्प्रेड कर दीजिए। अब ये वाले स्लाइसेस को हमने सैंडविच के ऊपर कवर कर दिया है और इसके बाद हम लगाएंगे इसी स्लाइस के दूसरी साइड पर टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस लगाने के बाद इसे भी हम कॉर्नर तक अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से सॉस को स्प्रेड करने के बाद अब बारी आती है खीरे की, क्योंकि इन दिनों खीरा बहुत ही फ्रेश आता है। उसके स्लाइसेस काट लीजिए और थोड़े पतले स्लाइसेस काटने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे टमाटर। मुझे पता है कि टमाटर इस समय बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए ये आपकी चॉइस है। अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप टमाटर नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए क्योंकि टमाटर सॉस हमने ऑलरेडी लगा दी है। इसके बाद आप इसमें स्प्रेड करिए अनियन रिंग्स, और अनियन को रिंग्स की फॉर्म में कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसके हाथ से अलग कर लीजिएगा, स्लाइसेस नहीं लगाने हैं। और इसके बाद हम इसमें ओरिगैनो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट का फ्लेवर भी हमें देना है। इसके बाद मैंने इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड करा है। चीज़ आपकी चॉइस है, आपको जितना ज़्यादा लगाना है आप उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके वेज क्लब सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और आप देखिए कि इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ना, खाने में भी बहुत टेस्टी है। लेकिन हम इसे सैंडविच मेकर में नहीं बनाएंगे क्योंकि सैंडविच मेकर में इसको प्रेस करके दबा देगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा सैंडविच फ्लफ़ी चाहिए, इसलिए हम इसे तवे पर बटर लगा के तवे को ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये सैंडविचेस हम तवे पर सेकेंगे। अब जो सैंडविचेस हमने रेडी करे हैं उसे तवे के ऊपर रख देंगे और उसे दोनों साइड से अच्छी तरह क्रिस्प करके सेक लेंगे। इन्हें बीच बीच में आप फ्लिप करते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा सिक जाए और दूसरी साइड से ना सिक पाए। इक्वल फॉर्म में दोनों सैंडविचेस को हम दोनों तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा फर्स्ट जब आप इसको टर्न करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, फिर हल्का सा प्रेस करके आप इसे हाथ से दबाकर ताकि मेयोनीज और चीज़ जो हमने लगाया है उससे स्लाइसेस अच्छी तरह से जुड़ जाएं।
तो फर्स्ट जब आप फ्लिप करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब दूसरी तरफ भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा के इसको सेक लिया है और ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक जाएगा। तो ये सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको नाइफ की हेल्प से ट्रायंगल शेप में, आप चाहें तो रेक्टेंगुलर शेप में, बीच से भी दो पीसेस कर सकते हैं। मैंने ट्रायंगल कट किया है। ट्रायंगल कट करने के बाद मेरे पास आलू भुजिया है। इसके जहाँ से हमने कट किया है उस एज पे हम ये आलू की भुजिया लगा देंगे। इससे सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और सैंडविच प्लस नमकीन का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सैंडविचेस इस रेनी सीजन में एक बार जरूर खाइएगा। थिकनेस देखिए आप सैंडविच की कितनी अच्छी है और ये एक मतलब ओवरलोडेड सैंडविच कह सकते हैं आप कि इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से स्टफ किया गया है। तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। गर्मा गर्म चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करिए। मैंने इसे सर्व करा था कोल्ड कॉफ़ी के साथ और घर में सभी को बहुत पसंद आए। तो ये रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। ABCC यानी बड़ी कैन कुक के साथ बने रहिए। इसी तरह की ईजी रेसिपीज़ लेकर मैं आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपकी कोई भी इजी रेसिपी मिस ना हो। तो प्यारे दोस्तों, ABCC एनीबडी कैन कुक अब गूगल गाइड भी है। आप गूगल मैप पे जाके मेरे रिव्यूज़ को क्लिक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ को भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, बने रहिए ABCC एनीबडी कैन कुक के साथ। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी या ब्लॉग के साथ।